राजधानी के शहीद स्मारक पर बीते 65 दिन से धरने पर बैठे कोविड स्वास्थ्य सहायकों का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। आक्रोशित स्वास्थ्य सहायकों ने कांग्रेस की सभाओं का विरोध किया। इसी कड़ी में श्रीगंगानगर में सचिन पायलट का भी विरोध किया गया। स्वास्थ्य सहायकों ने बताया कि प्रदेश जब तक संविदा पर रोजगार नहीं दिया जाएगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस सरकार मांग पूरी नहीं करती है तो 2023 में वापस सत्ता में आने का सपना पूरा नहीं होगा। मीडिया के साथ ही पहुंचे। स्वास्थ्य सहायकों के प्रदर्शन को आज लगभग 65 दिन पूरे हो चुके हैं। 65 दिन के अंदर कांग्रेस सरकार को काफ़ी विरोध का सामना करना पड़ा है। आज भी श्रीगंगानगर के अंदर पायलट साहब उतरे थे, वहाँ पे उनके जो भी समर्थक थे उनसे ज़्यादा सीएचए की भीड़ थी, उनको विरोध का सामना करना पड़ा। थोड़े दिन पहले एयरपोर्ट पे सुरजेवाला साहब उतरे थे, मीडिया ने भी देखा, जैसे वहाँ पे कांग्रेस के समर्थकों की बजाय सीएचए हर जगह ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच रहे हैं। सरकार को ये समझ जाना चाहिए भी कोविड स्वास्थ्य सहायकों को 23 में चुनाव के अंदर वापस जो सपना है आने का राजस्थान के अंदर वो पूरा नहीं होगा। आने वाले दिनों के अंदर राज्यसभा चुनाव से पहले पहले रणनीति हमारी तैयार हो गई है। एक दिन पूरे राजस्थान के अंदर तहसील लेवल पे व जिला लेवल पे चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल जी के पुतले फूंके जाएंगे और अगर जरूरत पड़ी तो हमारी रणनीति तैयार है। पंचायत स्तर पर भी कांग्रेस सरकार को अपना विरोध देखना